नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आपसे अभी मैं पूछ लूं कि देश के नायक कौन है, आप में कुछ लोग अपनी विचारधारा के अनुसार तपाक से किसी पार्टी के बड़े नेता का नाम ले सकते हैं, कुछ लोग शायद किसी अभिनेता अभिनेत्री का नाम देश के नायक के तौर पर ले लें, लेकिन कुछ ही लोग शायद देश के नायक के तौर पर किसी वीर बलिदानी सैनिक या जीवित वीर योद्धा का नाम लें, क्योंकि देश की रक्षा करने वालों को एक दिन याद करके भूल जाने की रवायत चली आ रही है। इसीलिए आज दस्तक होगी नायकों को भूल जाने वाले खलनायक सिस्टम के खिलाफ। आज करगिल विजय दिवस है। सुबह से सियासत, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप संदेशों में उन जवानों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने करगिल के युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन सारी भावनाएं एक दिन के लिए उमड़ती हैं, अगले दिन वापस जनता के लिए नायक बन जाते हैं कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई खिलाड़ी। इन सब की वजह होती है राजनीति, वो सियासत जो जवानों की शहादत के बाद परिजनों की मदद के तमाम वादे करके सुर्खियां बटोरती है, लेकिन बलिदानियों की चिता की राख ठंडी होने के साथ ही उस परिवार को सरकारें भुला देती हैं। ऐसे परिवारों के सम्मान की लड़ाई के लिए आज तक दस्तक दे रहा है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। 18 साल से हम घूम रहे हैं, परेशान हो गए हम चलते चलते, अब थक गए बहुत ज्यादा, और यही हमको जवाब मिल जाता है तो हम सोचते हैं हमने बेकार अपने बेटे को भेजा। भारत माँ की रक्षा के लिए जिस माँ ने अपने बेटे को सैनिक बनाया, एक सैनिक की माँ आखिर क्यों सिस्टम के आगे बेबस हो गई? हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जब सरकार ने हम उसके मेडल दिए थे तब वायदा किया था कि हम परिवार के साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। मेरे को बोलना ही मुश्किल होगा। तभी उन्होंने हमसे वायदा किया था हम तुम आप अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हर समय मदद करेंगे। अब हम उस जब से तहसील में जाते हैं, अप्लीकेशन देते हैं अपने फरमाइशों के लिए, कोई हमारी देखता भी नहीं है। लिए पेपर रख दिए, पेपर लिए तहसील दिवस में, और यही होता रहा है। 18 साल से हम घूम रहे हैं, परेशान हो गए हम चलते चलते, अब थक गए बहुत ज्यादा। पूरा देश जब करगिल विजय दिवस मना रहा, एक शहीद जवान की माँ को आंसू क्यों बहाने पड़ते हैं? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वाले देश में एक शहीद की मां को क्यों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने शहीद जिगर के टुकड़े के स्मारक के आगे परिवार समेत हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन करना पड़ता है, ये गुहार लगाते हुए कि शहीद के परिवार को 18 साल तक न्याय नहीं मिला। पहले इस परिवार का परिचय जानिए। ये शौर्य चक्र विजेता शहीद विवेक सक्सेना का परिवार है। सीमा सुरक्षा बल के वो सैनिक जिन्हें डेयर डेविल कहा जाता था, विवेक सक्सेना उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ज्वाला के दौरान मणिपुर में शहीद हुए। जनवरी 2003 में लखनऊ के विवेक सक्सेना मणिपुर में देश के लिए जान देते हैं। शौर्य चक्र विजेता बेटे की शहादत के 18 साल बाद भी इस परिवार से किए तमाम सरकारी मदद के वादे अब तक अधूरे हैं, इसीलिए शहीदों के सम्मान में दस्तक देनी पड़ती है। देश की सुरक्षा में कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत से हम सबकी जान बचाई, लेकिन कुछ ऐसे भी शहीद हैं जिन्हें 18 साल लग गए और उनके परिवारों को आज भी कोई मदद नहीं मिली। हम मौजूद हैं विवेक सक्सेना शहीद के घर पे। विवेक सक्सेना के परिजनों को पहले स्मारक के लिए जमीन देने के नाम पर दावा है। वर्षों सिस्टम ने दौड़ाया, थक हार कर खुद ही बेटे की मूर्ति लगाकर राज्यपाल से इस स्मारक का शिलान्यास परिजनों ने अपने दम पर कराया। परिवार वालों के मुताबिक कृषि योग्य जमीन देने का वादा शहीद की मां से किया गया था। आरोप है कि शौर्य चक्र विजेता जवान के परिजनों की आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन बेटे की वीरगति के 18 वर्ष बाद भी शहीद की माँ सावित्री सक्सेना को सरकारी दफ्तरों में दौड़ाया जाता है। मेरा बेटा इतना बहादुर था कि बहुत ज्यादा, आज वो होता तो बहुत कुछ कर लेता, पर शहीद होने के बाद में भी उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हम कहाँ जाएं? तहसील में साहस दे देते हैं कि हाँ हम काम करेंगे, और तहसील वाले कुछ नहीं करते, वो फाइल ली और डाल दिया अलग, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और कह देते हैं कि हमसे कि जाइए आपका काम हो जाएगा,
करा कुछ नहीं किसी ने अभी तक, उसको तहसील में यही कहते हैं बस हमको लौटा देते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, आप हम नहीं दे सकते, हमसे मना कर दिया तहसील में, अब हम कहाँ जाएं। सरकार के पास भी हमने लेटर भेजे, मंत्री जी को भेजे, मुख्यमंत्री जी को भी भेजे, राजनाथ सिंह को भी दिया और स्वाति सिंह को भी दिए पेपर, किसी ने कुछ नहीं किया। 18 साल में उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी 5 सरकारें आ चुकी हैं, लेकिन जवानों के सम्मान में सियासत को सलाम करती व्यवस्था के आगे शहीद विवेक सक्सेना का परिवार सरकारी वादों के पूरा होने के इंतजार में जब अधिकारियों से मिलता है तो जवाब आता है कर देंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, जाओ नहीं मिलेगा क्या करोगे। यही हमको जवाब मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि हमने बेकार अपने बेटे को भेजा, फौज में नहीं भेजना चाहिए था, जबकि मेरे पति भी फौज में थे, दूसरा बेटा भी है और परिवार में भी सब फौज में ही गए हुए हैं, हम फौज की देश की सेवा के लिए हर तरीके से तैयार हैं, बच्चे भी मेरे पोती पोते भी जाने को तैयार है, अभी यही हाल रहा तो हम कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को, इस तरीके से तो कोई भी सेना में नहीं जाएगा, अब सब दुनिया सोती है आराम से, फौजी पहाड़ों पर जंगलों में लड़ाई लड़ते रहते शहीद हो जाते हैं, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। ये माँ के आंसू है जो थम नहीं रहे, क्योंकि 18 साल में इस माँ ने ना सिर्फ अपने बेटे को खोया बल्कि इस सिस्टम ने, इस प्रशासन ने उसके साथ जो सलूक किया उसके सीधे प्रत्यक्षदर्शी हैं आंसू, जो कह रहे हैं कि आखिर हमने गलती की कि अपने बेटे को इस देश के लिए शहादत दे दी। 40 वर्षों से शहीद विवेक का परिवार लखनऊ में रहता है, सीमा सुरक्षा बल के जवान विवेक लखनऊ में ही जन्मे, मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए, लेकिन 18 साल बाद भी जमीन देने और आर्थिक मदद देने के सरकारी वादे इसलिए लटकाए जाते हैं क्योंकि इस परिवार को ही ये साबित करने के लिए कहा जाता है कि तुम बताओ लखनऊ के निवासी हो। लखनऊ जनपद के मूल निवासी नहीं थे जो है, जबकि वर्तमान में ये यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन मूल ये बाहर से आए हुए थे, तो उसके संबंध में इसके पहले भी एक हमने पत्राचार किया था ऊपर जो है कि यदि हमको कह दिया जाए तो चूंकि शहीद का परिवार है, एक हमको अनुमति मिल जाए तो हम फॉर्मली इनको कृषि आवंटन कर देंगे। अधिकारी के बयान के बाद सोचिए शहीदों पर होती सियासत को, जो शहीद होने पर किसी जवान के सीना फाड़ अपना प्रेम दिखाती है, लेकिन जल्द ही उन्हीं परिजनों को नियमों की लाल फीताशाही में बांध कर रुलाती है। बचपन से आपने पढ़ी सुनी होगी माखनलाल चतुर्वेदी की कविता, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जहां फूल भी शहीदों के सम्मान में टूटना चाहता है वहां शहीद विवेक सक्सेना की माँ आज भी अपने पैसे से बनाए गए बेटे के स्मारक पर फूल चढ़ा रही है और शहीद के परिजनों का सम्मान सरकारी फाइलों में कुचला जा रहा है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।